अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा खान और आप देख रहे हैं द डिस्कवरी। दोस्तों, कदीम दौर में मुजरिमों को उनके जरायम की दर्दनाक सजाएं दी जाती थी ताकि देखने वाले उन जरायम से दूर रहें। उन्हीं में से चंद सजाओं के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। क्रश्ड अंडर द एलिफेंट। दोस्तों, ये सजा हमारे रीजन यानी साउथ एशिया में दी जाती थी। दोस्तों, इस सजा में हाथियों को ट्रेन किया जाता था कि वो मुजरिम के सर या सीने पर खड़े हो जाएं, और हाथियों की ऐसी तरबियत की जाती थी कि वो अपना सारा वजन इंसान पर ना रखें बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वजन दें, और शदीद तकलीफ देकर इंसान की जान ली जाती थी। और इसके अलावा मुजरिम के हाथ पांव बांधकर उन्हें मगरमच्छों से तालाब में डाल दिया जाता था, और मगरमच्छ चंद सेकंड में अपने शिकार का सफाया कर दिया करते थे। दोस्तों, अगली सजा रेड टॉर्चर मेथड है। दोस्तों, ये सजा कदीम दौर में खास तौर पर यूरोप में दी जाती थी। दोस्तों, इस सजा में लोहे का एक पिंजरा हुआ करता था जिसमें चूहे को डाल दिया जाता था। दोस्तों, इस पिंजरे का एक साइड बंद और एक साइड खुला हुआ होता था। इसे रैट ट्रैप कहा जाता था। इसमें चूहे को डालकर इंसान के सीने पर रख दिया जाता था। इस तरह चूहा कैद हो जाता था। फिर इस रैट ट्रैप की बंद साइड पर आग लगा दी जाती थी जिससे ये पिंजरा अंदर से जलना शुरू हो जाता था। फिर चूहे को इस पिंजरे से निकलने का एक रास्ता बचता था कि वो इंसान के सीने में होल करे। चूहा इंसान के सीनों को खाना शुरू हो जाता था और शदीद तकलीफ के साथ इंसान की मौत हो जाती थी। डेथ बाय बॉइलिंग। ये सजा कदीम दौर में एशिया और यूरोप में दी जाती थी। इस सजा में एक बड़ी देग के अंदर पानी और ऑयल डाल दिया जाता था और इसमें इंसान को डाल दिया जाता था, और इस देग के नीचे आग लगा दी जाती थी। तेल और पानी आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो जाता था और इंसान का जिस्म जलना शुरू हो जाता था, और आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत तकलीफ के साथ इंसान की मौत हो जाया करती थी। द ब्रेकिंग व्हील। दोस्तों, ये सजा कदीम यूरोप में दी जाती थी। इस सजा में इंसान को एक मजबूत लकड़ी के व्हील के साथ बांध दिया जाता था और नीचे आग लगा दी जाती थी और व्हील को रोटेट किया जाता था। इसके बाद मुजरिम पर आयरन की रॉड और हथौड़े मारे जाते थे जिससे इंसान की तमाम हड्डियाँ टूट जाती थी। इसके बाद मुजरिम को इस व्हील के साथ ऊंचाई पर बांध दिया जाता था। परिंदे इसे खा जाया करते थे और शदीद तकलीफ के साथ इंसान की मौत हो जाया करती थी। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं द टॉर्चर टेबल की। इस सजा में एक टेबल पर मुजरिम को बांध दिया जाता है और उसकी सर्जरी की जाती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये सर्जरी इंसान के जिंदा होते हुए की जाती है। इस सर्जरी में मुख्तलिफ टूल से इंसान को टॉर्चर किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता और शदीद तकलीफ और दर्द के साथ इंसान की मौत वाकई हो जाती है। दोस्तों, आज भी दुनिया के कई म्यूजियम में ये टॉर्चर टेबल देखी जा सकती है, और इसके अलावा दुनिया में कई जगहों पर ये टॉर्चर आज भी दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल द डिस्कवरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।